Today I am going to tell you how to do the conditional formatting and make a on and off button in Excel. For that, first of all, you have to make a worksheet. Worksheet banayenge sabse pehle serial number, city, item, sale or amount ki headline banayenge. Aur usme data ko bharenge. Wo aapka imaginary hai, aap kuch bhi dal sakte. जब हमारा लिस्ट बन जाएगा तो सिटी और आइटम पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन में जाकर वहाँ पे लिस्ट को देखिए, इतने ऑप्शन दिए हैं लेकिन हमको लिस्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन मीनू बनाना है। और वहाँ पर आप अपने सिटी के नाम को टाइप कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। सिटी का नाम अगर आप पहले से कहीं टाइप किए हुए हैं तो उसको भी सेलेक्ट करके रेंज में बना सकते हैं। तो देखिए, आपका ड्रॉप डाउन मेनू बन गया, जो सिटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब सिटी जब सेलेक्ट हो जाएगा तो इसी तरह से हम आइटम का भी ड्रॉप डाउन मेनू बना लेंगे। जब ड्रॉप डाउन मेनू बन जाएगा तो हमको सेल का सम निकालना है कि इस पर्टिकुलर सिटी में कितना सेल हुआ। तो देखिए, सेल 10 और 5 आया यहाँ पे और जुड़ के 15 आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे किया हमने, इफ सम इफ, अब कौन सी रेंज लेंगे क्योंकि सेल की है और आइटम की है और किसी पर्टिकुलर सिटी की है, इस पे डिपेंड करता है। तो हमने सिटी की रेंज ली तो B8 से लेकर के ये वाली रेंज ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, B8 से लेकर B5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले ली, ये देखिए B8 से B5 तक। अब क्या चीज हमको देखना है, सिटी देखना है। तो सिटी में कौन सा है, दिल्ली है। तो हमने दिल्ली के लिए यहाँ पर क्लिक किया, क्यों, क्योंकि यही तो सेलेक्ट किया हमने, तो डॉलर बी और डॉलर फोर लिया। डॉलर क्यों लगाया, क्योंकि ये पोजीशन हमारी फिक्स है। जब फिक्स कंडीशन होती है तो हम रो और कॉलम के आगे डॉलर लगाते हैं। फिर हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको सेल कैलकुलेट करना है। तो ये रेंज से लेकर के यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, D8 से लेकर के, देखिए डी ए है और 8 ये है, तो D8 से लेकर D15 तक हमने सेलेक्ट किया। जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वो कैलकुलेट करके दे देगा कि दिल्ली के अंदर कितनी सेल हुई। तो दिल्ली में 2 सेल हुई है, 10 और 15, तो ये सेल निकाल देगा। इसी तरह से हम अमाउंट के लिए बना लेंगे और अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, 1,20,000 और 60,000, मतलब 1,80,000 का सेल दिल्ली में हुआ, यहाँ निकल आएगा। इसी तरह से हम पर्टिकुलर आइटम के लिए निकाल सकते हैं कि कितनी सेल हुई। अब यहाँ पे देखिए, डिजिटल बोर्ड कहाँ पे है, गोवा में डिजिटल बोर्ड बिका है जो 2,00,000 और 10,00,000 का है। तो 3 डिजिटल बोर्ड बिके 3,00,000 के, तो वो जोड़ करके आपका सेल और टोटल अमाउंट बता देगा। अब ये हो जाने के बाद हम ऑन और ऑफ बटन लगाएंगे। ऑन और ऑफ बटन किस लिए लगाएंगे कि जब कंडीशन ऑन हो तो क्या हो और जब कंडीशन ऑफ हो तो क्या हो। तो चलिए इसको देख देंगे। तो इसमें ऑन ऑफ बटन लाने के लिए डेवलपर मेनू में जाइए और इंसर्ट करिए, यहाँ से देखिए ये स्पिन बटन आपको मिल जाएगा जिसको आप इंसर्ट कर लीजिएगा। जब ये इंसर्ट हो जाए तो यहाँ पर कंडीशन आपको यहाँ पे ये ले लीजिएगा, इसको ग्रे कर दीजिएगा। यहाँ पे कंडीशन बनाना है कि I5 है, यहाँ पर 2 पे हम ऑफ और 1 पे हम ऑन लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 जब है और ये कंडीशन बनाई I=2 है तो ऑफ नहीं तो ब्लैंक आ जाए। इसी तरह यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि जब I=1 हो तो ये ऑन हो
अदरवाइज ब्लैंक हो। और यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि जब आई इक्वल्स टू वन हो तो ऑन हो और टू हो तो ऑफ हो। तो ये देखिए जब टू होगा तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। तो इस तरह से स्पिन बटन लग जाएगा। अब स्पिन बटन में भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसके लिए हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जब आप जाइएगा तो यहाँ करंट वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, लेकिन I5 ये वाली पोजीशन I5 डॉलर I5 जो है वो हमारा 1 सेट है। देखिए वही करंट वैल्यू दे रहा है, इंक्रीमेंट हमने 1 से किया है तो ये 1 आगे बढ़ जाएगा। तो जब ऑन कंडीशन हो तो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट होनी चाहिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए यहाँ पर जब आप जाइएगा तो आपको देखिए यहाँ पर होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट की, यहाँ मैनेज रूल किया। अब मैनेज रूल में क्या कर रहा है, एडिट रूल किया। एडिट रूल में हमने एंड कंडीशन लगाया और डॉलर B7 लिया। B7 क्या है, ये है डॉलर B7, डॉलर B डॉलर 7 नहीं लिया, डॉलर B7, क्योंकि हमको रो को तो फिक्स नहीं करना है और कॉलम को फिक्स करना है। अब फिर उसके बाद आपने इक्वल्स टू डॉलर बी डॉलर 4 ले लिया, डॉलर बी डॉलर 4 पे डैली है। अब कंडीशन क्या हो, ऑन। तो ये कंडीशन क्या है आपकी, ऑन है। I6 पे हमारा क्या है, ऑन है। और डॉलर सी सेवन क्या है, हमारा आइटम है। डॉलर सी सेवन को डॉलर सी डॉलर सेवन ना लेकर डॉलर सी सेवन लिया, जो फिक्स नहीं है, इसमें रो चेंज हो रही है। और इसकी कंडीशन क्या है, डॉलर बी डॉलर 6। तो ये क्या है आपका, डिजिटल बोर्ड सेट हो गया। अब हमने कहा फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में आप यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं। ओके करा अप्लाई करा, तो ऑन पे इसको हो जाना चाहिए था, तो नहीं हुआ है, तो देखते क्यों नहीं हो रहा है। इसको मुंबई किया, इसको वॉशिंग मशीन किया, ये देखिए आ गया है ना। तो सेलेक्ट जब हम करेंगे तब होगा, वो पहले से सेलेक्टेड था इसलिए। अब यहाँ पे दिल्ली किया, दिल्ली में वॉशिंग मशीन नहीं है तो वो नहीं दिखाएगा ऑन होने पे भी। तो अब दिल्ली में मान लीजिए हम टीवी करते, तो देखिए टीवी का दिखा देगा। तो इस तरह से दो रिपोर्ट वो दिखाएगा, दिल्ली में टोटल सेल दिखाएगा और दिल्ली के टीवी का सेल दिखाएगा। तो कितने टीवी सेल हुए, 10 सेल हुए। और कितने अमाउंट का सेल हुआ, 1,20,000 का। और दिल्ली में टोटल सेल कितना हुआ, 1,80,000 का। और कितने आइटम सेल हुए, 10 और 5। तो यहाँ पे देखिए 15 दिखा लिया। इसलिए मल्टीपल कंडीशंस में हम दिखा सकते हैं कि जब ऑन हो बटन, अब देखिए ऑफ कर देंगे तो ये हाईलाइट हट जाएगा, ऑन कर देंगे हम फिर से तो ये फिर दिखा देगा। अब टीवी की जगह इसमें अगर हम फ्रिज कर देते हैं तो क्या करेगा, दिल्ली के फ्रिज का टोटल दिखा देगा यहाँ पे कि 60,000 का फ्रिज बिका। और इसको मान लीजिए हम 6,00,000 कर देते हैं, क्योंकि एक फ्रिज इतना सस्ता नहीं होगा, 6,00,000 कर दिया तो वो 6,00,000 दिखा देगा। जो आप चेंज कर दीजिएगा वो दिखा देगा। तो अब हम मान लीजिए कलकत्ता कर देते हैं, यहाँ पे कलकत्ता, तो कलकत्ता का अलग सेल दिखा देगा और फ्रिज का अलग दिखा देगा। क्यों, क्योंकि कलकत्ता में कंप्यूटर बिका, फ्रिज नहीं बिका है। तो हमने यहाँ पे जब कंप्यूटर लेंगे तो देखिए कलकत्ता हाईलाइट हो जाएगा और उसके टोटल कंप्यूटर सेल दिखा देगा। तो जब सारी कंडीशन ट्रू होगी तब तो वो हाईलाइट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके हम कुछ भी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। सो
अब ये इसमें ये वाला पोर्शन जो है अगर आप हाइड भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि जब आप देखिए ऑन ऑफ कंडीशन वैसे ही काम करेगी और उसको आप दिखाइए चैनल दिखाइए वो काम करता रहेगा। वो हम इसलिए दिखा रहे थे कि जिससे आपको समझ में आए कि वन हो रहा है तो क्या हो रहा है, टू वन टू हो रहा है तो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम ये कुछ चेंज करते हैं, यहाँ कंप्यूटर की जगह हम फ्रिज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंप्यूटर की जगह फ्रिज लेते हैं तो देखिए दो सिटी का हो गया है ना, इसमें भी फ्रिज है दिल्ली में भी फ्रिज है। तो फ्रिज की सेल तो वो क्या दिखा रहा है, 6,05,000 फ्रिज दिल्ली में बिका और एक फ्रिज हमारा कलकत्ता में बिका। तो हम अगर यहाँ पे दिल्ली कर देंगे तो दिल्ली का सेल दिखाएगा, दिल्ली का टोटल सेल दिखा रहा है और दिल्ली का फ्रिज दिखाएगा। यहाँ पे कंडीशन ऑन किया तो ये देखिए दिल्ली का फ्रिज दिखा देगा और कलकत्ता का फ्रिज भी ऐड कर लेगा। ये देखिए 50,000 का एक फ्रिज यहाँ बिका और यहाँ पर 6,00,000 का बिका, इसको बल्कि 5,00,000 कर दें हम लोग। तो दिल्ली का क्योंकि हाईलाइट कर रहा है इसलिए दिल्ली का दिखाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कलकत्ता कर देते हैं, ठीक है। तो कलकत्ता में हमारी दो सेल हुई है, कितने की हुई है, 50,000 50,000, एक का फ्रिज है और ये है, लेकिन हमने फ्रिज डाला है तो फ्रिज का टोटल सेल वो दिखा रहा है, चाहे दिल्ली हो चाहे कलकत्ता हो। तो इस तरह से हम डिफरेंट रिपोर्ट कंडीशनल दिखा सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर। Follow my all social media link, join my telegram channel TechRatan, go to the community, answer on poll and please comment on the video so I could come to know कि आपका क्या question है, आपको क्या समझ में आया, आपको क्या और चाहिए video में तो हम उसको पढ़ा सके। ये आपकी query पे हमने conditional formatting बनाई है बहुत study करने के बाद। So this is all today, viewer. If you like it, please share and subscribe.